हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। और हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर एमसीक्यूज पाइथन के, तो अभी भी हम लोग यही कर रहे हैं। तो ये सेकंड क्लास होगी हमारी और यहाँ से हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एंड अगले क्वेश्चन के अंदर, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर होमवर्क भी है जो दिया था, तो इस क्वेश्चन में आपके पास में एक लिस्ट गिवन है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, स्लाइसिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना क्या चीज़ है कि जैसे मान लीजिए, अगर यही एग्जाम्पल लें इसको और ज़्यादा डीप में जानने के लिए, और इसका आंसर क्या है, कैसे है इसको जानने के लिए, ठीक है। ये आपकी लिस्ट है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर स्लाइसिंग का यूज़ कर रही हूँ। हम कॉलन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं यहाँ पर। और इसमें क्या होता है कि आप स्लाइस करना कहाँ से शुरू कर रहे हैं और यहाँ पर आता है एंड, और दोनों में क्या होता है, इंडेक्स देते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग का इंडेक्स और एंड का इंडेक्स, यानी कि मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग के इंडेक्स में दिया 2 और एंड के इंडेक्स में मैंने दिया मान लीजिए 5। अब क्या होने वाला है, अब आपके पास में इंडेक्स नंबर 2 से लेकर के हमारे पास 4 तक जो भी वैल्यूज होंगी वो डिस्प्ले हो जाएंगे। अब आप कहोगे मैंने दिया तो 5 है। स्लाइसिंग की ये शर्त है कि जो भी आप यहाँ लास्ट में वैल्यू देते हो ये उससे ठीक है कम चलता है। तो 2 नंबर इंडेक्स पर आपके पास क्या है, 0, 1 एंड 2, यानी कि 25, 6 और 7, ये आपके पास में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम इसको प्रिंट करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से। अब यही चीज अगर हम कुछ ऐसे करें, मतलब अगर दूसरा एग्जाम्पल लें, ये तो हुआ कि शुरू कहाँ से करना और ख़त्म कहाँ करना है। अगर मान लीजिए स्टार्टिंग का कुछ नहीं दे रखा, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या कहता है, वो कहता है कि 0 से लेकर के आप कहाँ तक हो, 4 नंबर इंडेक्स तक, ठीक है। 0 से लेकर के 4 नंबर इंडेक्स तक आपकी जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, यानी कि 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो मतलब आपके पास जो लिस्ट प्रिंट होकर के आएगी वो कुछ ये आएगी। एक बार इसको प्रिंट करते हैं। अब अगर मान लीजिए आप क्या करते हो, आप स्टार्टिंग की वैल्यू दे देते हो और आपने एंड की वैल्यू नहीं दी है, तो इट मीन्स ये क्या करेगा, आपका 2 नंबर इंडेक्स से लेकर के और टिल एंड तक चलेगा। तो 2 नंबर इंडेक्स यानी कि आपका 0, 1 एंड 2, तो ये आपके पास में यानी कि प्रिंट होने वाला है, ठीक है। 2 नंबर इंडेक्स से लेकर के टिल एंड तक, ठीक है। अब इसमें केस ये भी आएगा कि जैसे मान लीजिए आप इसमें कुछ नहीं देते हो, मैंने क्या किया यहाँ, मैंने कुछ नहीं दिया, तो इट मीन्स आपके पास आपकी जो फुल लिस्ट है ना वो प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि ना तो आपने स्टार्टिंग पॉइंट बताया ना एंडिंग, तो ये पूरी लिस्ट प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये वो कॉमन केस हैं जो इसके अंदर हो गए। अब अगर मान लीजिए आप यहाँ पर कहते हो कि आप 2 से शुरू करो और 6 पर ख़त्म करो, तो आपका आप मतलब आप मुझे कहोगे कि मैम 2, 3, 4, 5 नंबर इंडेक्स तक वैल्यू आएगी, लेकिन मैं क्या करती हूँ यहाँ पर स्टेप दे देती हूँ 2, ठीक है। मतलब अब इस केस में क्या होगा कि अगर मान लो मैं ये नहीं देती 2, तो 2 के बाद सीधा 3, 4 और 5 नंबर इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाती, ठीक है। अगर मैं इतना ही करती तो 2, 3, 4 और 5 नंबर इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाती। लेकिन अब क्या होगा अगर मैं यहाँ पर 2 दे दूंगी, तो मतलब ये एक छोड़ करके एक इंडेक्स, यानी कि सिर्फ 2 और 5 नंबर इंडेक्स पर, 4 नंबर इंडेक्स पर जो भी वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी प्रिंट, यानी कि 0, 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि 25 और 7 आपके पास में यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ये है, अगर आप एक एक स्टेप नहीं चाहते हो, आप चाहते हो एक से ज्यादा स्टेप ऑल्टरनेटिवली, या फिर आप कह लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि ये 0 से लेकर के 6 तक चले और 3 स्टेप आए, तो अगर मैं 3 नहीं दूंगी तो आपको पता है कि आपकी पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। पूरी लिस्ट में क्या प्रिंट होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 0 से हमें शुरुआत करनी थी, 0, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन अब मैंने क्या दिया, अब मैंने दिया यहाँ पर 3, यहाँ पर, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये भी नहीं प्रिंट होगा,
ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, और ये भी नहीं। तो जीरो और तीन नंबर इंडेक्स पर जो पड़ा होगा वो आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप्स हो गए, जब आप एक से ज्यादा वैल्यूज को आप एक्सेस करना चाहते हो, मतलब एक छोड़ करके एक या फिर दो छोड़ करके तीसरी वैल्यू। अब इसमें क्या होता है, नेगेटिव स्टेप्स भी हैं जो होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि 5 से लेकर के तुम 2 तक प्रिंट कराओ, कराएंगे तो कुछ होगा नहीं, खाली लिस्ट प्रिंट होगी। लेकिन ऐसे क्योंकि इसमें +1 है ना बाय डिफॉल्ट, आप क्या करो -1 कर लो, तो अब 5 के बाद 4 3 इस तरीके से आपकी वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। ओके, अब जब हम ये कर रहे थे इस तरीके से, तो इट मीन्स यहां पर बाय डिफॉल्ट क्या था, 1 था। आप लिखोगे या नहीं लिखोगे तो 1 है ही, लेकिन जैसे ही अब मैं -1 कर दूंगी तो स्टेप्स क्या हो गए, नेगेटिव। तो अब यहां पर क्या होगा, ये 0 से नहीं शुरू होगा, मतलब कहने का, मैं पेन ले लूं एक बार, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब यानी कि ये क्या करेगा, ये लास्ट से एंड से स्टार्ट होगा, मतलब ये जो आपका इंडेक्स है ना, यहां से लास्ट वाले से, ठीक है। और फिर यहाँ ये कहाँ तक चलेगा, 0 तक चलेगा, क्योंकि आपने -1 यहाँ पर दिया है। अगर यहाँ +1 दे दे तो आपके पास फुल लिस्ट प्रिंट होती, लेकिन इस केस में क्या है कि -1, तो ऑटोमेटिकली वो राइट टू लेफ्ट चलेगा। तो इस केस में आपकी रिवर्स लिस्ट है जो प्रिंट हो जाएगी, लिस्ट उल्टी आपकी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। यही आपसे इस केस के अंदर पूछा गया था। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी प्रिंट लाइक दिस। अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ कि अगर मैं यहाँ 2 कर दूँ माइनस के, तो क्या होने वाला है, जो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अब फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं, और इसके अंदर आपकी पूरी लिस्ट उल्टी हो जाती है, 44 7 6 25 3 1, आई थिंक ए इज द आंसर, ठीक है। हाँ, क्योंकि उसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास में, और वैसे भी उल्टा करना है तो हमारे पास यही आंसर आएगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोविंग। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर प्लस ऑपरेटर का यूज जो कर रहे हैं, यानी कि हम कॉन्कैट कर रहे हैं, दो लिस्ट को आपस में जोड़ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर इधर एक लिस्ट है, अगर इधर एक ट्यूपल है और इधर एक स्ट्रिंग है, और आप बीच में प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि लिस्ट से लिस्ट ही प्लस हो सकती है, ट्यूपल से ट्यूपल ही प्लस होगा, स्ट्रिंग से स्ट्रिंग ही प्लस होगी, ठीक है। तो सेम आपका सामने वाला जो ऑपरेटर है, जो डेटा टाइप है, वो होना चाहिए। तो इट मीन्स दो लिस्ट आपस में चिपक जाएंगे, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर डी बनेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज करके, तो हम रेप्लिकेट चाह रहे होते, तो अगर इधर एक लिस्ट है, इधर एक ट्यूपल है, इधर एक स्ट्रिंग है, और आप मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो इधर डेफिनेटली एक पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए रेप्लिकेशन के लिए। इसके अलावा अगर आप कुछ भी देते हैं तो ऑफकोर्स आपको एरर आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। कहते हैं कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें आपको क्या कहा है, एक लिस्ट दे करके, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है तो उसके 0 नंबर जो इंडेक्स होगा उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यानी कि अगर हम इस लिस्ट को लिखें, 2 4 6 8, ये आपकी लिस्ट के अंदर था, अब इसका जो 0 नंबर एलिमेंट है वो आपने चेंज कर दिया, उसकी जगह एक आ गया, आपने वही चीज क्या कर दी, प्रिंट, ठीक है। अब आप यहां पर क्या कर रहे हो, स्लाइस करके उस स्लाइसिंग वाली जगह पर आप कुछ डेटा को पुट कर रहे हो, जो कि आपने ये पुट किया है। मतलब अब क्या कर रहे हो, अगर हम 1 से लेके 3 तक चले, पहले तो देखो इसका क्या मतलब है, ये मैंने अगर लिखा 1:4, तो 1 2 एंड 3 नंबर इंडेक्स कौन सा होगा आपके पास, 1 2 एंड 3 नंबर इंडेक्स होंगे ये वाले। तो अब इसकी जगह आ जाए 3, इसकी जगह आ जाए 5, इसकी जगह आ जाए 7, तो आपके पास जो लिस्ट प्रिंट होगी वो इस तरीके से प्रिंट होगी, 1 3 5 7। एक बार के लिए हम इसको थोड़ा सा एग्जीक्यूट कर लेते, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर 2 आया, 1 4 6 8, अगर हम इसको देखें, हाँ 1 4 6 8, क्योंकि आपने 2 बार प्रिंट लगा रखा है, पहले 0 नंबर लोकेशन पर एक आ गया आपका, उसके बाद 1 3 5 7 आपके पास में आ जाएगा, क्योंकि आपने उतने से हिस्से
को चेंज कर दिया, एंड लिस्ट इज म्यूटेबल। लिस्ट के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। अगर यहीं पर आपका कोई और डेटा टाइप होता, ट्यूपल या फिर स्ट्रिंग, तो हमें एरर आ जाती। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आपने यहां पर एक ऑपरेटर यूज सॉरी एक फंक्शन यूज किया है जिसका नाम है काउंट। काउंट फंक्शन नाम की तरह क्या कह रहा है कि काउंटिंग कर रहा है, हमेशा आपको एक इंटीजर में आंसर करेगा। कम से कम 0 दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा जितनी काउंटिंग होगी उतनी, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में आंसर आएगा। ठीक है, तो आप 1 को काउंट कर रहे हो कि कितनी बार है, तो 1, 2, 3, 3 बार आपके पास में है तो 3 आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, चले अब आपके पास अगला है और आखिरी क्वेश्चन है इस क्लास का। कहता है कि ये आपकी एक लिस्ट है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, इस लिस्ट को आपने सॉर्ट किया है। दो फंक्शन है जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी समझाए थे, सॉर्ट एंड सॉर्टेड फंक्शन। ठीक है, आने वाली क्लासेस में दोनों से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको इसका डिफरेंस भी समझाया था। बाय द वे, अगर मैं सॉर्ट फंक्शन यूज कर रही हूं तो ऐसे में ये डेटा मेरा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है जो मुझे करके दे देगा। ठीक है, तो आपके पास में जितने भी 1 है वो पहले आ गए, फिर 2, 3, 5 जो भी है, 5 बी आपका आंसर है यहाँ पर। और अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा सॉर्ट चाहिए तो आप यहाँ पर सॉर्ट फंक्शन के अंदर, पहले तो इसको देखो, अब अगर मैं इसके अंदर रिवर्स एक एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पर ट्रू कर दूंगी तो यही क्या करेगा, मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में आंसर करेगा। ठीक है, तो ये हमारा था ये क्वेश्चन, और अब मिलेंगे आपको अगली क्लास के अंदर अगले क्वेश्चन के साथ में। तो चलिए फिर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ में जरूर है जो चैनल शेयर करिएगा। बाय बाय।